जय हिंद साथियों, मैं के नेहरा फ्रॉम राजस्थान। देश की आवाज़, वीरों की भूमि, पधारो हमारे देश। आप सभी साथियों का एक बार फिर से वेलकम। और जैसा कि मैंने कहा था कि चुनावों के बाद में जो है अमित शाह जी से हमारी मीटिंग होगी एसएससी जीडी 2018 के मुद्दे को लेकर। और मैं सुरेंद्र भाई की तारीफ़ करता हूँ कि उनके लगातार प्रयास की वजह से जो है ये मीटिंग संभव हो पाई। और माननीय सांसद जी महोदय जसवीर सिंह जी गिल, जिन्होंने हमारे मुद्दे पर जो है बातचीत करी और हमारे मुद्दे को जो है अमित शाह जी के सामने रखा, और अमित शाह जी ने जो है तुरंत जो है एक्शन लिया और उनके नीचे जो आईएएस अधिकारी बैठते हैं उनको आदेश दिया कि आप जो है इसका पूरा बायोडाटा लेके पूरा विश्लेषण करके जो है आप मुझे बताएं। और उन्होंने जो है 7 दिन का समय मांगा है। 7 दिन के बाद में जो हमारे माननीय सांसद जी महोदय हैं उनको जो है जवाब मिल जाएगा। तो जो भी जवाब होगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिस्पॉन्स होगा, आपको जो है बता दिया जाएगा। और आज शहीद दिवस है। भगत सिंह को मैं दिल से सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, कि क्योंकि वो मेरे आइडल हैं। और यही कहना चाहता हूँ कि देखो यार, जब भगत सिंह हमारे पास थे उस समय जो है लोग उनको चोर, लुटेरा, डाकू, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन जब वो हमारे देश के लिए, जब आज़ादी के लिए जो है फांसी पे चढ़ गए, हंसते हंसते जो है फांसी पे झूल गए, अपनी शहादत उन्होंने दी, तब लोगों को एहसास हुआ कि हाँ यार, वास्तव में जो रियल हीरो हैं, जो वास्तविक जो हीरो हैं, वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हैं, जैसे लोग हैं, तो वही है। मैं कई बार सोचता हूँ, कुछ लोग जो है नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो भाई जब हमारे जो महापुरुष हैं, जो इतने थे बड़े बड़े, जिन्होंने हंसते हंसते जो है जान कुर्बान कर दी, उनको जब लोगों ने नहीं बख्शा तो फिर मेरी क्या औकात है यार। तो बी पॉजिटिव एंड बी इफेक्टिव एंड बी हैप्पी। और देखो, कुछ लोग कहते हैं कि चरखा चलाने से आज़ादी आई है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यार वो 25-25 साल के जो वो नौजवान कौन थे जो हंसते हंसते जो है फांसी पे चढ़ गए, जिन्होंने आज़ादी के नाम जो है पता नहीं कितनी शहादत जो है दी, तो वो लोग कौन थे? अगर चरखा चलाने से ही आज़ादी आई होती तो फांसी पे चढ़ने की ज़रूरत क्या थी फिर? तो इसलिए हमारे जो जितने भी शहीद हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय और जितने भी, उन सभी का जो है सम्मान करना चाहिए। और आज के दिन जो है मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, हृदय की गहराइयों से जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आप सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।